आपके प्रखंड के प्रमुख भाई हरिहर साहब, आपके जिला परिषद भाई अतारू साहब है यहाँ पे उपस्थित, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष भाई अमरवीर साहब, मुखिया सर के अध्यक्ष मफूद जी, मुखिया आलमगीर साहब है, पूर्व प्रमुख नूर साहब है और इस पंचायत के मुखिया शहबाज साहब है और आए हुए तमाम हमारे अतिथिगण, सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी, माता एवं बहनों, चूंकि आज आप लोग मुशायरा का आनंद उठाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम लोग तमाम लोग आपके नमूने के तौर पर यहाँ पर जो है सारे प्रतिनिधि आपके सेवा में उपस्थित हैं। हम ज्यादा नहीं कुछ करते हुए सिर्फ एक लाइन हम बोलना चाहेंगे कि देश की जो स्थिति है आप लोग सब समझदार हैं, सब लोग जान रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जिस तरह से आपके नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आपके नेता नौजवानों के दिलों के धड़कन तेजस्वी यादव जी, आप समझ सकते हैं ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने जिस तरह से आपके नेता को प्रेरित कर रहा है, ये किसी लोगों से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन हमारा नेता ने आज भी ट्विटर पर जो है लिख करके दिया है जवाब कि तुम जितना भी मुझे संभालो, मेरे परिवार को संभालो, लालू यादव ना झुका है ना झुकेगा। और जब तक 24 में आरएसएस और बीजेपी को उठा के फेंक नहीं देंगे तब तक लालू यादव चैन से नहीं रहेगा। इसलिए करके आप लोग ये समझ रहे हैं कि अभी इस तरह से इलाज करा के विदेश से लौटा है दिल्ली में और ईडी, सीबीआई, आईटी किसी नेता पे प्रहार नहीं कर रहा है, सिंगल एक नेता एक परिवार के ऊपर। क्योंकि आज अगर कोई दो जवाब देने वाला पूरे देश में है तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव है और तेजस्वी यादव है। इसलिए करके सारे चीजों को हम लोग को ध्यान में रखते हुए हम लोग अंदर अंदर अपनी जो है 24 प्रहार कैसे करें, इसके लिए हम लोग मजबूती से जो है तैयारी करें। क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा को भी बीजेपी वाले ने कितना कोशिश किया प्रेरित करने का, कितना कोशिश किया आरएसएस के लोगों ने कि हमें दल में लगाने के लिए मंत्री का लालच दिया, पैसे का लालच दिया। मैंने कहा कि मैं लालू यादव का चेला हूं, मैं कभी ना झुका हूं ना झुकूंगा, ना बिका हूं ना बिकूंगा, क्योंकि मैं गद्दार नहीं हूं। जहां से शुरुआत किया हूं वहीं पर अंत करूंगा, लेकिन मैं अपने समाज से, अपने भाई से, अपने नौजवानों से कभी गद्दार नहीं करूंगा। और मैं आज भी आपके साथ हमेशा 24 घंटा जब भी कहीं पर किसी प्रकार की कोई मुसीबत होती, कोई बातें होती है तो आपका बेटा, आपका भाई आपके लिए तैयार है। इसलिए हम लोग को 24 तक आना, मजबूती से लड़ना है और हम लोग को जवाब देना है। इन्हीं संसदों के साथ ही क्या दूसरा काम करने आए हैं, ज्यादा नहीं कुछ करते हुए तमाम लोगों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और शांतिपूर्वक आप दूसरा का आनंद उठाए, यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ।